भाई जुलूम करके ना जाए चंचलपुरा जेल में इंसानों को मार दे रहे तो बच्चों को मार दिए एक बार मुदस्सिर एक बार मेरा नाम सैयद तबरेज है, मैं संगारेड्डी का रहने वाला हूँ। मोहम्मद अहमद खान बोल के यहाँ पर चंचलगोड़े जेल में है, 31 महीने से उन्हें केस में है। दूसरे इश्यूज के वास्ते उनको बेल भी मिली, 3 बार तो भी रिजेक्ट कराए, होना बोल के पॉलिटिकल दबाव डाल रहे। और क्या बोले तो अंदर क्या है, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब और 2-3 जने नहा के टॉर्चर करके बात को बोले लंजागोड़ का बोल के बोल रहे, नहा के टॉर्चर कर रहे, बात को बोले सिंगल डबल में डाल दे रहे, फोन करने जा रहा तो कहीं को जा रहा बोल के फला बोल रहे। आज मैं मुलाकात को आया था, मैं 1:30 बजे से मैं 4 बजे तक मैं चंचलगोड़ा जेल के बाहर बैठा हुआ था। फिर उसके बाद हमारे भाई दूसरों को नंबर बोल के मेरा वो कॉल करे कि तुम्हारे भाई को साथ चंचलगोड़ा जेल से यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल को ले गया बोल के। तो फिर मैं यहाँ पर उस्मानिया हॉस्पिटल आया तो आई बात मेरे को मालूम हुआ कि लोग मेंटली टॉर्चर के वजह से मैं मेरे हामिद भाई बोल के एक ही जने नहीं है, चंचलगोड़ा जेल में आज 4 जने किले निकले सुबह 11 बजे 4 जने निकले और मौजूद उस्मानिया हॉस्पिटल में उन लोग एडमिट है अभी, उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा। ठीक है, ट्रीटमेंट हो रहा, प्रेस वालों को भी बोले, प्रेस वालों को बुला के भी वहाँ पर ले गए तो प्रेस वालों को भी सही लेने नहीं दिए। उस लिहाज से ये मैं काउंटर दे रहा हूँ कि हमको इंसाफ होना, ये चैनल जान जाता है, आप भैतर जानते हैं, भैतर जाना तक पहुंचाइए और हमको इंसाफ दिलाइए। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया बाद हमारे भाई को जेल में लेके जाते, उसके बाद अगर कुछ भी हुआ हमारे भाई को उसके जिम्मेदार जेल डिपार्टमेंट वाले रहेंगे, सुपरिटेंडेंट साहब रहेंगे, उनसे तकलीफ है हमारे भाई को। हमारे भाई बात को पहले DSR है, दूसरे सार है, उनके सामने भी बोल रहे कि हम एडवोकेट को बुला लेते, उनसे भी बात कराते, बोले तो वो भी नहीं बोल के बोल रहे। अब जरा अब मीडिया वाले आप जो भी कर सकते हैं हमको बेहतर करके हमको इंसाफ दिलाइए बस। हम और बेल ऑर्डर होने के बाद बेल मिलने के बावजूद भी बेल का पेपर नहीं दिखा के उनको बेल ऑर्डर कैंसिल हो गया बोल के बताए, बेल का क्या पेपर बताना था ना, शो करना था ना। सुपरिटेंडेंट साहब एकदम कास्ट फिलिंग कर रहे, एक चल्लापल्ली के सुपरिटेंडेंट साहब और चंचलगोड़े के, ये दोनों भी संगारेड्डी करके आए हुए है, इन लोग दोनों भी जो है सो कास्ट फिलिंग करके कम से कम बेल ऑर्डर आया टप्पा आने के बाद तो इश्यू करना ना, पेपर बताना ना भाई, बेल हो गई बोल के कैंसिल भी होगा बोल, कुछ भी नहीं पता, बेल हमारी कैंसिल हो गई बोल के मालूम ही नहीं है, बेल टप्पा डालने के बाद भी आदमी बाहर नहीं आए।
28 आवर्स कान में सो गए हम लगा, तो बेल ऑर्डर हम डाले रात में, तो हर जने को सुबह में बोलते हमको 28 आवर्स के बाद एक जवान आके इंटीमेशन देता हमको, क्या बोल के रुकाते, नहीं तुम्हारे भाई अंदर थे ना उतने दिनों से, जरा थर्ड जाओ, आते होंगे, अरे तुम्हारे भाई इतने दिन से अंदर है ना, आते थर्ड जाओ, पीटैक था ना, आते थर्ड जाओ, बोल के ये बोल के फिर 28 आवर्स के बाद उन लोगों को फैक्स जानने बोल के इतला दे देंगे, फिर फैक्स उनको भिजाने के बाद हमको इतला दिए। 28 घंटे हमला संगारेड्डी से आके चल्लापल्ली के पेट्रोल पंप के बाजूक हमला कार लगा के वहां स्टे करे, तो ये पूरे क्या मिले हुए कल के दिन, हम यही बोल रहे कल के दिन हमारे भाई को जान का धोखा है, अच्छा बुरा हुआ है, तो जेल डिपार्टमेंट जिम्मेदार है इसका।